नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, जहां तक मुझे लगता है अगर आप बाजार में आज के दिन परेशान थे, अगर नहीं थे तो दैट इज वेरी गुड, अगर थे तो इन्हीं स्टॉक्स में से कोई स्टॉक होगा जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चन हो सकते हैं आपके। पहला ग्लेनमार्क फार्मा, एक्चुअली मैं मॉर्निंग में भी जब वीडियो शूट कर रहा था तो ग्लेनमार्क ही निकल रहा था, क्योंकि मैंने ग्लेनमार्क फार्मा पे वीडियोस बनाई हैं। ग्लेनफार्मा पे मैंने एक दो वीडियो रेयर केस में बनाई है। तो एक तो ग्लेनफार्मा का स्टॉक है जो आज लगभग 14% क्रैश होता हुआ दिखा है इंट्राडे में। सेकंड, एनएमडीसी को लेकर काफी सारे सवाल थे, मैंने पूरी वीडियो बनाई, डिटेल में समझाया, लेकिन इस वीडियो में आपको शॉर्ट में समझाऊंगा, मैंने पूरा मतलब एक रिकैप तरीके की वीडियो है एक तरीके से। थर्ड, कावेरी सीड्स में एक कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है, वो आपको समझाऊंगा, बायबैक को लेकर है, ठीक है। फोर्थ, पीसीबीएल यानी फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। एंड लास्ट, नायका, ये स्टॉक आज अपने आईपीओ के प्राइस के भी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और इस स्टॉक पे कन्विक्शन था, इस स्टॉक की ऐसे कहा जा रहा था कि ये ई कॉमर्स बिजनेस को इसलिए इतने अच्छे वैल्यूएशन मिल रहे हैं, इसलिए इतनी अच्छी लिस्टिंग हुई है, क्योंकि ये प्रॉफिट में है कंपनी, और जो प्रॉफिट में होगी वो ऐसे ही भागेगी। लोगों को निवेश करवाया गया, लोगों को फंसा दिया, और आज स्टॉक ऊपर से लगभग मोर देन 50% करेक्ट हो गया है, एंड अब इस स्टॉक को लेने वाले नहीं बचे हैं। तो चलिए इन्हीं के बारे में बात करते हैं। अगर इनमें से आपके पास कोई स्टॉक है तो क्या करना चाहिए, अगर इनमें से कोई स्टॉक नहीं है तो शायद आपके लिए कावेरी सीड में जो मैं बातें करूंगा वो काम की है, बाकी किसी स्टॉक से रिलेटेड आपके कोई बात काम की नहीं है, क्योंकि कावेरी सीड में जो चीज हुई है वो हो सकता है कल को आपके शेयर में हो रही हो, फिर आप परेशान हो, लेकिन आपको जानकारी होगी तो आप परेशान नहीं होगे। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए यार, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा ग्लेनफार्मा के स्टॉक को लेकर कि इस स्टॉक में क्या हुआ है जो इतना बड़ा आपने आज के सेशन में कट आते हुए देखा है। इस स्टॉक में लगभग 14.68% गिरा है ये स्टॉक। इस शेयर में अगर आपकी पोजीशन हो तो डेफिनेटली आज का दिन आपके लिए एक बहुत ही ब्लैक हो गया, ब्लैक आप थर्सडे कह सकता हूँ, ब्लैक फ्राइडे भी नहीं कहेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा खराब रहा है आज के सेशन में। हुआ यह, इस स्टॉक ने अपने नंबर्स पेश करे थे, क्वार्टरली रिजल्ट्स, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे प्रॉफिट में तो जंप है, लेकिन मार्जिन देखेंगे या फिर आप रेवेन्यू में भी अच्छी खासी जंप देखी गई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी की ग्रोथ काफ़ी बुरी तरीके से पिटती हुई दिखी है। अब मैं आपको शॉर्ट में नंबर्स बताना चाहूँगा। 229 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 240 करोड़ हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। 857 करोड़ से सेल्स बढ़कर 1048 करोड़ पे आई है। मार्जिन्स देखें तो 32% से घटकर 28% पे आए, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर का हाल है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें दोस्तों, 302 करोड़ से प्रॉफिट घटकर 240 करोड़ पे आ गया है, तो काफी बुरी तरीके से कट आता हुआ दिखा है। मार्जिन्स की बात करें तो 35% से घटकर सीधे 28% पे आ गए हैं, और रेवेन्यू की बात भी करें तो 1080 करोड़ से घटकर 1048 करोड़, यानी ईयर ऑन ईयर बेस पे तीनों जगह ही ये अंडर परफॉर्मेंस रही है। एक और चीज मैं आपके साथ कहना चाहूंगा, कंपनी के मैनेजमेंट ने भी कुछ नेगेटिव कमेंट्री कर दी है जिसके चलते प्रॉब्लम्स आई हैं। बाकी यूरोप में अभी प्रॉब्लम चली रही है, एक्सपोर्ट रिलेटेड स्टॉक है और ये प्रॉब्लम अभी रहने वाली है, ठीक है। ओवरऑल इस स्टॉक पे मेरा क्या व्यू बन रहा है वो भी आप सभी के साथ शेयर करता हूं। मुझे लगता है ये जो गिरावट हुई है अब बस दैट्स ऑल फॉर नाउ, मुझे लगता है हो सकता है 2-4% और नीचे आ जाए। 1850 तक मैंने मॉर्निंग में भी आपके साथ शेयर करा था जब स्टॉक अराउंड 12% डाउन था, तो 1850 तक आ सकता है, बट अब जिसके ने नहीं बेचा 14-15% तो आज ही लॉस हो गया आपको, तो अब बेचना नहीं चाहिए। स्टॉक की बात करें तो इसमें मुझे बाकी सब अच्छा ही दिख रहा है, 19% के समथिंग का रिटर्न ऑन इक्विटी है, 25% के समथिंग का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है। वैल्यूएशन वाइज पीयर कंपैरिजन करूं तो ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया है। डीवीज लैब 31 पे ट्रेड कर रहा है, ये भी 30 के आसपास आ चुका है। बाकी के मैक्सिमम स्टॉक्स देखो, चाहे वो ग्रैनुल्स हो या फिर आरती ड्रग्स हो या हाइकल हो, तो ग्रैनुल्स थोड़ा 18-19 के समथिंग पी पे, बाकी सारे इसके आसपास है, इससे ऊपर ही है, तो अब ये वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट दे रहा है कहीं ना कहीं। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर देता हूं बिल्कुल शॉर्ट में, क्योंकि आज इसमें काफी बड़ा क्रैक आया है, तो जितनी ज्यादा आप सभी के साथ बातें करी जाएंगी इस स्टॉक को लेकर उतना ही कॉन्फिडेंस मिलेगा। लगभग 58% प्रमोटर्स होल्ड करते हैं, 6% FIIs और 22% के समथिंग DIIs, पब्लिक 14% होल्ड करती है। मुझे लगता है अब ये स्टॉक बेचने वाला नहीं रहा है। नेक्स्ट, NMDC, इस स्टॉक पे सबसे ज्यादा आज के सेशन में क्वेरीज थी। पहला, ये क्या हो गया, क्यों नीचे आ गया, तो डीमर्जर हुआ है, सिंपल सी भाषा में समझ लो। डीमर्जर क्या होता है, इसके बदले यानी जो इस स्टॉक को होल्ड करता है, यानी पहले खरीदा था आज से पहले आपने, चाहे वो परसों खरीदा हो या उससे पहले या पहले कभी भी खरीदा हो,
तो आपको इसके बदले एक शेयर और मिलेगा, किसका? एनएमडीसी स्टील का, स्टील प्लांट का डीमर्जर हो गया है। एक चीज और मैं बता दूं कि फॉर एग्जांपल आप एनएमडीसी के 10 शेयर्स रखते थे तो एनएमडीसी स्टील के भी आपके अकाउंट में 10 शेयर आएंगे। एक कमेंट था बहुत ही प्यारा सा कि भाई अपने आप आ जाएंगे। जी हाँ, अपने आप आ जाएंगे अगर आपने आज से पहले खरीदा होगा तो। आज खरीदा है तो नहीं मिलने वाले। एक और चीज, आज जो ये स्टॉक गिरा है, ये गिरा नहीं है, 15% ऊपर हुआ है आज, तो 15% से आपका प्रॉफिट है जंप करता हुआ दिखा है, ये समझिए आप। क्योंकि जो वैल्यू निकाली जाएगी अगर इसकी डीमर्ज करा जाए तो जो वैल्यू थी कल के हिसाब से वो स्टॉक के प्राइस की 93 रुपीज की वैल्यू आती है, लेकिन स्टॉक 105.6 के लेवल्स पर अराउंड क्लोज हुआ है, तो यहां 15% का जंप देखने को मिला आज स्टॉक में, ये मैं आपको बता दूं। नेक्स्ट, कावेरी सीड कंपनी ने बायबैक कराया और बायबैक का प्राइस रखा है 700, बट इस प्राइस की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ओपन मार्केट है। 125 करोड़ का कंपनी माल खरीदेगी ओपन मार्केट से, जिससे आपको मुझे डायरेक्टली कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन स्टॉक का प्राइस जब भी गिरेगा कंपनी खरीदेगी, सपोर्ट मिलेगा तो नीचे डाउनसाइड कैप हो जाएगी। नेक्स्ट, पीसीबीएल या हो या फिर नायका हो, दोनों ही अपने रिजल्ट्स के बाद गिरते हुए दिखे हैं काफी बुरी तरीके से। पीसीबीएल और नायका दोनों का ही एक बार चेक ले लेते हैं कि कैसे लगते हैं ओवरऑल स्टॉक्स। तो पीसीबीएल देखता हूं सबसे पहले तो मैं, तो स्टॉक मैंने अपनी लिस्ट पे ओपन कर लिया है, लगभग 8% क्रैश होता हुआ दिखा है, 18% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, 18% का ही रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 76 रुपीज़ की बुक वैल्यू पर शेयर है, 129 पे ट्रेड करता है। स्टॉक अच्छा ही है लग रहा है मुझे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगती है इस स्टॉक में। प्रॉफिट की बात करें तो 126 करोड़ से घटकर 116 करोड़ का आया है, ईयर ऑन ईयर बेस पर बात करें तो 122 करोड़ से घटकर 116 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। इस स्टॉक का मैं जरा आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न भी शेयर करना चाहूँगा कि कैसा दिखता है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में 51.41% प्रमोटर्स होल्ड करते हैं, 10% समथिंग FIIs और 5% DIIs, गवर्नमेंट 1.24%, पब्लिक 31%। तो ये इस स्टॉक का हाल है ओवरऑल। अभी थोड़ा सा और वेट कर लें, इस तरीके के स्टॉक जब गिरते हैं तो थोड़ा ज़्यादा गिर जाते हैं, वेट करने की राय होगी, नायका पे कोई राय नहीं होगी मेरी। तो ये मेरी पूरी वीडियो, होप आप लोगों को सारी जानकारी मिल गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।